चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले यूएस मार्केट के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन गिरावट के साथ साथ रिकवरी भी नजर आ रही है। कैसे आप देख सकते हैं, मार्केट ओपन होते ही शार्प फॉल, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं वी शेप रिकवरी। अब देखना ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी क्लोजिंग कैसी होती है। अगर हरे निशान पे हुई तो हम कह सकते हैं कल के दिन मार्केट थोड़ा सा सुधरता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर गिरावट हुई तो फिर भी कहेंगे मार्केट इस हफ्ते थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा, जिसके कारण बहुत सारे हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इस सारी बातों के बारे में ज़रूर पता होगा। फिलहाल बात करें गिरावट के पीछे जो कि डोजन में देखने को मिल रही है, उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह है दोस्तों जो एग्रेसिवली रेट्स हाइक होने वाले आने वाले महीने में, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। अगर आप ये कहेंगे कि दोस्तों इसका इफेक्ट तो ऑलरेडी पड़ चुका है मार्केट में, फिर क्यों मार्केट गिर रही है, तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है, इसके साथ साथ जो रेट्स हाइक की बातें हो रही हैं, इसके साथ साथ अगर हम फॉरेन करेंसी की बात करें तो इसका भी प्रेशर है मार्केट में। अब ये फॉरेन करेंसी कौन कौन सी, तो दोस्तों देख सकते हैं ब्रिटिश पाउंड। अगर ब्रिटिश पाउंड की बात करें, डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी एक बहुत चिंता का विषय है, ये भी एक पॉइंट है। और अगर हम यूरो की वैल्यू की बात करें, जो कि आप देख सकते हैं 2002 के बाद लोएस्ट पे देखने को मिल रहा है डॉलर के मुकाबले, तो ये भी एक कह सकते हैं पॉइंट तो ज़रूर है मार्केट को थोड़ा सा अनस्टेबल करने के लिए। और थोड़ी सी वजह ये भी है जो कि इस हफ्ते हम देखने वाले हैं जॉबलेस का डेटा और साथ ही साथ इंडियन RBI मीटिंग का आउटकम, ये सारी वजह है। बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, चलते हैं। मुझे लगता है दोस्तों इस हफ्ते में के बाद अगर हम आने वाले हफ्ते की बात करें तो मार्केट रिकवरी मोड पे हमें देखने को मिल सकता है। अब रही बात किस लेवल पे रहेगी मार्केट इस हफ्ते की बात करें, गिरावट कितनी होगी, कहां तक गिर सकता है मार्केट, तो दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो फिलहाल का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि हम सभी जानते हैं, अभी ये फिलहाल 16900 के आसपास, 16900 अगर इस लेवल को तोड़ती है निफ्टी तो दोस्तों फर्दर जो गिरावट है हमें 16500 के करीब देखने को मिल सकती है, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला लेवल, और वो कौन सा है 16500। अब रही बात मार्केट की, क्या ये मार्केट अपसाइड मूवमेंट में जाएगा, तो दोस्तों डेफिनेटली जाएगा। मगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये हमेशा देखा गया है कि मार्केट का जो ट्रेंड है हमेशा अपसाइड के तौर पर ही होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी होगा, तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह ये हफ्ता एक बार निकल जाए तो आने वाले हफ्ते में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो निफ्टी का जो मूवमेंट है वो दोस्तों 17500 के करीब पहुंचता हुआ नज़र आएगा, और बहुत जल्द फिर से हम कह सकते हैं 18000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब रही बात सपोर्ट लेवल तो देख लिया, रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करें तो फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ये वाला लेवल आप देख सकते हैं, जो है 17500 के करीब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा निफ्टी को, तभी जाके आपको फर्दर मूवमेंट जो कि 18000 के करीब का है वो देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात होगी दोस्तों निफ्टी की, मार्केट की, इस हफ्ते की, और मार्केट कब रिकवर करेगा इसके बारे में हमने जान ली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार मौका बहुत से लोगों को मिला है, और बेसिकली अगर हम बात करें जो भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं, हमारे ग्रुप से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनके पास दोस्तों डेफिनेटली ये स्टॉक तो ज़रूर होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक को हमने बहुत ही नीचे लेवल से पिक किया है, जो कि लगभग है तो लगभग 800 के लेवल से है, मतलब मार्केट में गिरावट है उसके बावजूद हम दोस्तों प्रॉफिट में हैं। और इसका मकसद क्या है, मतलब ये क्यों हुआ है, ऐसा कैसे हुआ है, तो दोस्तों सही गाइडेंस की वजह से। इसलिए कहता हूँ प्रॉपर गाइडेंस होना मार्केट में बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका प्रॉफिट मल्टीपल्स में देखने को मिले, और सबसे ज़रूरी बात आपको लेवल्स पता हो कि किस लेवल से स्टॉक को पिक करना होता है। इसलिए कहता हूँ अगर चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस तो हमें ज़रूर ऊपर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, फाइंड आउट करते हैं कि नेक्स्ट लेवल हमारे लिए क्या होना चाहिए, अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट पॉइंट होगा ऐड करने को लेके। सबसे पहले रिटर्न देख लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कोई ख़राब रिटर्न नहीं है, 3 साल का रिकॉर्ड है, 615% का रिटर्न, कोई ख़राब रिटर्न नहीं होता। हाँ ये बात ज़रूर है कि मार्केट के हिसाब से अगर बात करिए, कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा अप एंड डाउन ज़रूर देखने को मिलेगा। नाम आप देख सकते हैं, कंपनी नाम है एफएल इंडिया, और फिलहाल अगर हम बात करें एफएल इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ही एग्रेसिवली आपको देखने को मिलेगी, बस सिर्फ ये सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाए आपको ये बहुत ही स्टॉक एग्रेसिवली तरीके से 1500 के लेवल भागता हुआ देखने को मिलेगा। अब रही बात 1500 का जो लेवल है वो क्या एंड लेवल है, तो दोस्तों ऐसा कहूँगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जब तक कंपनी का बिजनेस चलेगा, जब तक कंपनी में प्रॉफिट्स नजर आएंगे, जब तक कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है दोस्तों, तब तक कंपनी का प्राइस कोई एंड प्राइस नहीं होता।
चाहे वो 1500 की बात करूँ, चाहे 5000 की बात करूँ, या फिर चाहे 10,000 की हम बात कर लें। जब तक कंपनी चलेगी, बिजनेस चलेगा, चीज़ें चलेंगी, तो कंपनी आगे बढ़ती रहेगी। और वैसे भी दोस्तों ये कंपनी अभी अभी शुरू हुई है, सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, तो अभी तक इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है कमा के। अब इसका ये मतलब नहीं कि आगे नहीं देगी, आगे और भी ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट अगर हम बात करें हमारे लिए एडवांटेज है इस कंपनी के लिए, और वो है पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मोबाइल फ़ोन्स हैं तो इंटरनेट भी है, और इंटरनेट है तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट भी उसमें देखने वाले हैं। तो ये भी बात का ध्यान रखें, बिजनेस किस तरीके से रन करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बाइंग लेवल को लेके, तो देख लेते हैं कंपनी में कितना पोटेंशियल है ऊपर जाने की। फिलहाल बात करें एफएल इंडिया को लेके, तो सबसे पहले देखेंगे सपोर्ट लेवल, जो कि सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं 1100 के करीब का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, तो इस चीज़ को बिल्कुल मिस आउट मत कीजिए। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट को लेके। तो रेजिस्टेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, वो है 1300 का लेवल, जो कि लेवल आप ये देख सकते हैं। अगर कंपनी इस लेवल को तोड़ के, जो कि लेवल है लगभग 1350 के आसपास की क्लोजिंग देती है दोस्तों, ये स्टॉक आपको लगभग 1450 के आसपास भागता हुआ नजर आएगा, वो भी एग्रेसिवली। और इसके साथ साथ अगर हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो 33 का नज़र आ रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस कंपनी के अपसाइड मूवमेंट की। और अगर मार्केट अच्छा रहा, हरे निशान पे रहा, तो दोस्तों ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आएगा, इस बात को बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल रहती है बाइंग लेवल, तो बाइंग लेवल की बात कर लें तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट लेवल है, वो है 1200 के आसपास। अगर कल ये स्टॉक लगभग 1200 के आसपास भी आता है तो फर्स्ट ऑर्डर के रूप में आप लगा सकते हैं। और रही बात सेकंड लेवल, तो दोस्तों अगर 1180 के आसपास भी आता है तो भी अपना ऑर्डर सेकंड के रूप में लगा सकते हैं। अब सारी चीज़ें डिपेंड करती है मार्केट के गिरावट पे, अगर गिरावट होती है तो इस लेवल को ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाने वाला हूँ, और वो है इसकी डिलीवरी क्वांटिटीज़। 46% के आसपास की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी क्वांटिटीज़, जो कि ये दिखाती है कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, गिरते हुए माहौल में इन्वेस्टर्स जो स्मार्ट होते हैं वो पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो अपनी पोजीशन ज़रूर बनाइए। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस तो ज़रूर हमें ऊपर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस रहेगी तो स्टॉक्स सही सिलेक्शन करने में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, और आपका प्रॉफिट भी मल्टीपल्स के रूप में बढ़ता रहेगा, एंड कैपिटल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी सेफ रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो देख सकते हैं गिरावट यहाँ भी है, क्योंकि मार्केट में ही गिरावट है, तो इस चीज़ को एज ए नेगेटिव के रूप में मत लीजिए। फिलहाल आज के दिन की बात करें तो 7.5%, और स्टॉक का प्राइस फिलहाल 1070 के आसपास है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड, इसका 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो अभी भी अपने अच्छे पोजीशन में नज़र आ रहा है, जो कि लगभग 660%, और वो भी 5 साल का रिकॉर्ड। और लगभग 4 साल में इस कंपनी ने 3 बार बोनस दिया, इसको हमें नहीं भूलना है, जो कि तैयारी हम कह सकते हैं फिर से कंपनी की है बोनस देने के लिए। नाम की बात करें तो देख सकते हैं वरुण बेवरेजेस। तो दोस्तों इस कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ही एग्रेसिवली इनके जो परसेंटेज है, जो कि होल्डिंग्स की परसेंटेज है, वो अच्छी खासी देखने को मिली है, जो कि लगभग 23% से लेकर 24% के बीच में है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि किसी भी FIIs की एंट्री इस कदर बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट दोस्तों आ चुके हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या लेवल्स ऑफ बाइंग हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं, बात करें वरुण बेवरेजेस के बारे में, और सबसे पहले अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल, जो कि 1050 के आसपास का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। और रही बात रेजिस्टेंस पॉइंट को लेके, तो दोस्तों 1100 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको फर्दर जो मूवमेंट है 1115 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और अगर 1115 को तोड़ता है ये रेजिस्टेंस तो दोस्तों ये फर्दर आपको लगभग 1200 के भी ऊपर भागता हुआ नजर आएगा। फिलहाल पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं इसका RSI इंडिकेटर, जो कि फिलहाल 43 पे नज़र आ रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी ज़्यादातर इसके अपसाइड मूवमेंट की है। अब रही बात कि इस लेवल पे हमें बाइंग करना चाहिए, तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, अगर कल के दिन अगर मार्केट गिरावट होती है तो 1040 के आसपास आता है स्टॉक, तो आँख बंद करके अपनी फर्स्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। नेक्स्ट बाइंग ऑर्डर अगर इससे भी नीचे गिरता है तो दोस्तों सेकेंड ऑर्डर भी लगा सकते हैं। पैटर्न के हिसाब से फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, और आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट, OS की डिलीवरी क्वांटिटीज़। देख सकते हैं लगभग 66% के आसपास की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी क्वांटिटीज़, जो कि भरोसा दिलाती है कि कंपनी किस तरीके की है और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है किस तरीके से प्ले कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं पोजीशन बना तो ज़रूर बनाइए, अच्छा स्टॉक है, भरोसेमंद स्टॉक है, और
कंपनी अच्छा आइटम जरूर बना के देगी। फिलहाल मुझे लगता है आज के इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस तो हमें जरूर ऊपर दिए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।